अस्सलामुअलैकुम। लैपलास ट्रांसफॉर्म लेक्चर नंबर 8 में आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम उसकी स्टेटमेंट और उसकी डेफिनेशन को ड्राइव करेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो लैपलास स्टेटमेंट के मुताबिक अगर मैं लैपलास की स्टेटमेंट देखूँ तो लैपलास स्टेटमेंट इक्वल होती है f(f)t = f(x), यानी कोई भी जो फंक्शन टी डोमेन में होता है उसे हम सिंपली एस डोमेन में करते हैं। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें से माइनस हम ए कर देते हैं। वो माइनस ए इसलिए करते हैं कि उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ई ऑफ ए तो डिपेंडेंट है, जो भी हमारा ऊपर लिमिट मिली होगी, लेकिन जो ए है वो एक्सपोनेंशियल में जो वैल्यू बचती है वो एक्सपोनेंशियल हम इसके साथ माइनस ए कर देते हैं। वगैरह अगर हम इसे देखें तो द प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हैज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल इम्प्लीकेशन। इट हेल्प्स टू डिले एंड आउटपुट सिग्नल्स एंड टू रिलीज इट आफ्टर द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। दिस इज डन बाय द मल्टीप्लाइंग बाय गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी बाय द फैक्टर ऑफ ई ए टी और ई पावर माइनस ए टी। तो ये दो फंक्शन है, अगर हमारे पास फंक्शन ई ए टी मल्टीप्लाई करवा रहा होगा तो हमारे पास इधर माइनस का फंक्शन आएगा, अगर हमारे पास e पावर माइनस ए टी होगा तो इस जगह पे हमारा प्लस आ जाएगा। a कोई भी वेरिएबल आपको मिल सकता है क्वेश्चन में, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन में भी इसकी लैपलास डेफिनेशन ही यूज होगी। तो लैपलास डेफिनेशन हमारे पास जैसा कि लैपलास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। इस हमारे साथ फंक्शन होगा लैपलास ई ए टी एफ ऑफ टी, जो कि हमारा गिवन फंक्शन होगा। गिवन फंक्शन में एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई करवा रहा होगा और जीरो टू इंटीग्रेशन लिमिट और ई पावर माइनस एस टी जो हमारा डेफिनेशन का है और ई पावर ए टी जो हमारा एफ ऑफ टी का है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा। तो जैसा कि हमारी मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट है कि जब भी हमारा कोई भी बेस सेम होगी तो उसकी पावर से आगे जाती है, इसी चीज को यूज करते हुए हमारी बेस सेम है, ई बेस सेम है और पावर हमारी ऐड हो जाएगी, जो क्या है बाकी सब सेम आएगा ई पावर माइनस एस टी प्लस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब जैसे आप अगर देखें तो ई हमारा कॉमन आ रहा है, अब टी हम माइनस का भी कॉमन ले सकते हैं और प्लस का भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम माइनस का कॉमन लेंगे टी क्योंकि जो हमारी लैपलास की डेफिनेशन है वो माइनस में है। एस प्लस ए बन जाएगा, वो हमारा फंक्शन में आगे यूज होगा। तो लैपलास ऑफ ई ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी ई पावर माइनस टी, हमने कॉमन ले लिया अंदर, एस माइनस ए एफ ऑफ टी डी टी, डी टी बच जाएगा। अगर इस फंक्शन को अगर ये फंक्शन में सिर्फ एस होता तो हमारा सिर्फ सिंपली हम इसको एफ ऑफ एस लिख देते, लेकिन हमारे पास है एफ ऑफ यानी एस ऑफ एस माइनस ए, जो हमारा ये टोटल फंक्शन होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए की। ये इसका प्रूफ था जो हमने डेरिवेशन करके सोल्व किया। अगर हम इसकी अगर और जो मैंने आपको प्लस का फंक्शन बताया, अगर मेरे पास लैपलास ई माइनस ए टी होगा तो मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो एफ ऑफ एस प्लस ए बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस ए है तो माइनस के साथ आगे मल्टीप्लाई करवाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसकी मैं एग्जांपल देखूं तो इसमें एग्जांपल में मुझे फाइंड लैपलास लैपलास टी क्यूब ई पावर माइनस थ्री टी, तो टी क्यूब की तो हमें लैपलास निकालनी है और ई पावर माइनस थ्री यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, तो हमने जो सोल्व करना है वो इस टी क्यूब को सोल्व करना है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी लास्ट में यूज होगी जहाँ पे हमारी ए की वैल्यू भी नीड होगी, वहां पे जो ए की वैल्यू होगी हमारी वो ए माइनस थ्री होगी। तो यहाँ पे टी क्यूब जो कि हम पहले भी लेक्चर नंबर 2 में हम ड्राइव कर चुके हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो टी क्यूब हम ऑलरेडी इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो जो टी क्यूब की डेरिवेशन का जो फार्मूला बनता है हमारे पास लास्ट में वो बनता है लैपलास टी पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल जो है एन हमारे पास 3 है, तो हम सिंपली 3 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 3 प्लस 1 कर देंगे, और जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो फैक्टोरियल कुछ इस तरह से ओपन होता है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4।
हमारा जो लैपलास ऑफ टी पावर एन यानी टी पावर थ्री होगा वो सिक्स अपॉन एस पावर फोर हो जाएगा। तो हमने जो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी हमने सोल्व कर लिया, अभी हमें सिंपल फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का रूल अप्लाई करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये मेरा एफ ऑफ एस है जो कि मेरी लैपलास और डेफिनेशन के मुताबिक कहता है। अगर अभी इसमें सिर्फ हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ए ऐड करना है और ये फंक्शन हमारे पास जो गिवन होगा, तो अब हमारे पास ए इस जगह पे माइनस थ्री है, तो सिंपल इस एस की जगह पे मेरा ये आंसर आ जाएगा सिक्स अपॉन एस पावर फोर और ए की जगह पे मेरे माइनस थ्री आ जाएगा। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, सिक्स अपॉन एस पावर फोर, इस जगह पे हमारा सिंपली ये आ जाएगा क्योंकि सिक्स एस माइनस फोर एस पावर फोर, तो एस क्या है हमारे पास, एस इसके साथ है एस माइनस ए है, तो सिक्स हमारा सेम सिक्स अपॉन एस माइनस ए पावर फोर आ जाएगा, लेकिन ए यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का थ्री है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, माइनस थ्री इस जगह पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस थ्री, तो हमारा आंसर जो टोटल बनेगा वो होगा सिक्स अपॉन एस प्लस पावर फोर पावर फोर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस गिवन फंक्शन का वो बन जाएगा लैपलास ई पावर माइनस थ्री टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एस प्लस थ्री होल पावर फोर। अगर मैं इसी एग्जाम्पल नंबर टू सोल्व करूं तो उसमें फाइंड लैपलास ई पावर माइनस थ्री टी और इसमें अभी क्या है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साथ भी एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवा रहा है टू और दूसरे के साथ थ्री। तो अभी हमें इसमें भी हमें क्या करना है, ये तो हमारा जो है वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यूज होगा, यानी शिफ्ट जब हम कर रहे होंगे उस वक्त यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ये हम लोग पहले भी ड्राइव कर चुके हैं ये कैसे हमें इसकी लैपलास मिलेगी। और जो हमारे पास एक चार्ट है, अगर हम उस चार्ट को भी देखेंगे तो हमारे पास जो इसका फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, लैपलास का कोसाइन ऑफ ए टी होता है तो उसका हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू इसका कोफिशियंट है तो वो साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो एस इधर हमारे पास ए जो है वो फाइव है, इस जगह पे फाइव है तो यहाँ पे हम फाइव पुट करेंगे तो फाइव स्क्वायर हो जाएगा टू इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। तो फाइनल इसकी जो फाइनल डेरिवेशन हमारे पास हो जाएगी वो होगी टू इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव, क्योंकि फाइव का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास ट्वेंटी फाइव आ जाएगा। अगर हम साइन की देखें तो साइन की भी हम ड्राइव कर चुके हैं, उसका भी हमारे पास डेरिवेशन यही आती है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए मेरे पास क्या है फाइव, तो यहाँ पे थ्री आएगा टू गलती से, तो आप ये नेक्स्ट में हमने सोल्व कर लिया है थ्री है तो थ्री इंटू फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। तो इस जगह पे हमारा जो ए है वो हमारे पास फाइव है, तो हमने सिंपली ए की जगह पे फाइव को रिप्लेस कर दिया और उसका स्क्वायर खत्म किया तो थ्री इंटू फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव, ये हमारा फाइनल फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ड्राइव हो चुके हैं। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये मेरा एफ ऑफ एस यानी जो भी हमारा लैपलास डेरिवेशन होती है वो कुछ इस तरह से ही होती है कि हमें इसका फाइनल आंसर इसी तरह से मिलता है। तो अभी इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग क्या ए ऐड करना है जो कि हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है और जो हमें डेफिनेशन कहती है लैपलास ऑफ ई ऑफ ए टी, ई ऑफ ए टी हमारे पास इधर है ई पावर माइनस थ्री टी और एफ ऑफ टी हमारे पास ये टोटल फंक्शन है और इस जगह पर देखूं तो एफ ऑफ एस माइनस ए और एफ ऑफ एस हमने ये सोल्व कर लिया ये वाला पूरा फंक्शन और ए हमारे पास क्या है माइनस का थ्री है। अब सिंपली इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो जो मेरा फंक्शन है ई ऑफ ए टी और एफ ऑफ ए टी, एफ ऑफ टी जो मेरा फंक्शन है वो वाला है और इस जगह पे टू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, क्योंकि एस माइनस ए ऐड करना है हमें इधर, तो मैं एस माइनस ए सिर्फ रिप्लेस करूंगा और नेक्स्ट में मैं इन ए की वैल्यूज को पुट कर दूंगा जो कि ए की वैल्यू मेरे पास है माइनस थ्री। अगर इस जगह पे मैं माइनस थ्री पुट करूंगा तो अंदर टू है, टू भी मल्टीप्लाई करवाएंगे टू एस इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सिक्स बनेगा प्लस का, लेकिन इस जगह पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री फाइव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फिफ्टीन बनेगा माइनस का, बाकी एस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट में हम एलसीएम लेंगे क्योंकि दो दो वैल्यूज है हमारे पास तो दोनों वैल्यूज का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर सेम है अभी इसको हम फर्दर अगर सोल्व करें तो हमें इधर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो अगर एलसीएम के बाद हम सोल्व करें तो हमारा कुछ आंसर इस तरह से बनेगा टू एस प्लस सिक्स अपॉन एस प्लस एलसीएम। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, लेकिन इस स्टेप में हमने क्या किया कि हमने जो पिछली बार में एस के साथ माइनस थ्री और माइनस टू मल्टीप्लाई करवा रहा था हमने उसको सोल्व करके इधर प्लस ऐड किया है और यहाँ पे माइनस। इस स्टेप में अगर हम एलसीएम लेंगे
एलसीएम लेने के बाद हमारा जो स्टेप फाइनल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस 25, ये दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन होने की वजह से हमने इसको एक एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का जो तरीका होता है हमारे पास, अगर तो हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज है तो उनको हम अलग तरीके से एलसीएम यूज करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज सेम है, जब दोनों वैल्यू सेम है तो उनमें से एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास जो एलसीएम हो जाता है, बाकी जो होती है वो उसको हम दोनों को कॉमन में से एक ले लेते हैं। तो ऊपर वैल्यू हमारे पास सेम है क्योंकि दोनों की बेस सेम है, तो हमारे पास ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो 2s + 6 - 15, तो हमारे पास वो वैसे ही आ जाएगी। तो प्लस का 6 है और माइनस का 15 है, तो हमारे पास जो इसको अगर एड हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो माइनस का 9 आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2s सेम प्लस और माइनस करके हमारे पास जो आंसर बना -9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम एस प्लस थ्री होल स्क्वायर इंटू 25, तो प्लस 25 आएगा यहाँ पे, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।